वेलकम बैक टू माई अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज ये देखो क्या बोल रहा है पीछे। तो भाई आज का प्लान है हमारा, आज हमारे से बाइक लेने जो साकिब भैया की बाइक थी RS 200। तो भाई ये 5 महीने से पड़ी हुई थी शोरूम में, इसका मतलब कि एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम करना था, तो बाइक यहाँ पे थी। तो आज हम मतलब फाइनली गाइज आज हमें ये बाइक मिल गई है। तो साकिब भैया कैसा रिएक्शन है आपको बाइक को देख के? मन उदास है बहुत, 5 महीने बाद आज इसके ऊपर बैठा हूँ मैं अपनी बाइक के ऊपर। सही बोल। तो चाबी मेरे पास है, चाबी तो ऐसे नहीं मिलने वाली है जब तक पार्टी हार्ड नहीं होगी है। पार्टी नहीं होगी, लिख के नहीं देंगे हाँ पार्टी करेंगे हम। भाई रेडिसन चलते हैं, कमरा बुक करा देते हैं। ठीक है भाई। तो हाँ फाजिल रेडिसन दूं मैं चाबी, फिर दूं मैं चाबी, चाबी दूं मैं। अरे नहीं अभी कहाँ चाबी यार, ऐसी थोड़ी ना चाबी देनी है, पार्टी शर्ट ही यार अच्छे से। हाँ 5 महीने के बाद बाइक आ रही है सामने, यही लेके जाएंगे, यही लेके जाएंगे भाई, चाबी तो देनी पड़ेगी ना। तो फाजिल भाई दो मिनट ले, हम साइड पे बात करेंगे। ठीक। सो फाइनली हमने डिसाइड किया कि चाबी दे रहे हैं हम। तो मुबारक हो यार आपको, थ्रॉटल मारेंगे अब। इसमें पहले एक काम करते हैं ना, हाँ इसमें पहले तेल भराएंगे टायर पे, उसके बाद लेंगे तेल भराएंगे पहले तेल भराने ले जाएंगे। इंश्योरेंस नहीं करवाया अभी तो। सो फाइनली बाइक की चाबी मुझे मिली है तेल डालने के लिए। तो भाई पहली राइड मैं लूंगा बाइक की, दिल मेरा बड़ा खुश हो रहा है। इसका पूर्ण जन्म हुआ है ना, पूर्ण जन्म में पहली राइड मैंने ली है। ये कुछ बाइक मिसिंग जैसी कर रही है, बाइक कुछ मिसिंग जैसी कर रही है, तभी मैंने तुझे बोला था। हाँ तो फाइनली हमें पहली राइड मिल चुकी है और अभी हम जा रहे हैं सीधा पेट्रोल पंप तेल डलवाने बाइक को। भाई मैंने लाई बाइक, ओहो बाय गॉड भाई, मतलब कि ये बाइक मेरे को लगी नहीं रही है, वही बाइक है साकिब भैया वाली जो पहले बाइक थी, ये भाई एकदम नई बाइक है, वो क्या ही बताऊं मैं। ओ भाई ओ हो मतलब है ही नई बाइक है ना ये, इसको इंश्योरेंस में मतलब बहुत कुछ किया है। तो भाई पहली राइड मिली मेरे को और मैं इसको बहुत आराम से चलाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाइक में कोई प्रॉब्लम हो। तो साकिब याना भी बहुत वेट किया बाइक के लिए, मतलब 5 महीने वेट करना भाई कोई छोटी बात नहीं है। जब इसने बाइक ली थी तो इसको बहुत क्रेज़ था बाइक्स का, और भाई साकिब या जो राइडर था ना, मतलब क्रेज़ हो बंदे को राइड को और बाइक भी हो तो भाई मतलब तूफान राइडर होता है। और 5 महीने वेट करना कोई छोटी बात नहीं है भाई, 5 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, और 5 महीने भाई ने वेट किया बाइक के लिए। तो फाइनली बाइक मिल गई और पहली राइड मैंने ली, क्योंकि मैंने पहले ही बोल के रखा था, मैंने बोला भाई बाइक निकालोगे तो पहली राइड मैं ही लूँगा, क्योंकि भाई RS 200 है तो मेरा भी पहले क्रश था इस पर, बट फिर मैंने ये नहीं ली थी। तो पहले हम तेल डलवाते हैं इसको, बाइक आवाज नहीं कर रही, आवाज मैं कर रहा हूँ भाई, ये बाइक है कि क्या है। ओहो साकिब भैया मुझे पता है आपको अभी दर्द हो रहा है कि मतलब कि पहली जब बाइक निकलती है ना, मतलब 6 महीने के बाद 5 महीने के बाद जब बाइक मिलती है क्या होता है। जब मैंने अपनी बाइक ली थी आपको पता ही है 15 दिन के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था कि नहीं, मेरी भी बाइक 15 दिन बंद रही थी। वही तो मैं बोल रहा हूँ 5 महीने बहुत होता है। हाँ बैग मुझे साथ, हाँ जेब में है। ये तोड़ दी प्लेट यार आपने, ये वाली ये जो देखो ABS की, ये बैंड हो गई है, नई डलवानी पड़ी। ये बोल रहे हैं कि अगर ये थोड़ी भी बैंड होती है ना ABS में बड़ा फर्क आता है। ये यहाँ पे देखो
अभी नई डलवाई अभी हम। हाँ इसके साथ उन्होंने कुछ किया नहीं भाई, जब आपने उधर से रॉड घुसाई ना, जब हथौड़े से मार रहे थे वो टच हो रही थी ना, ये उसी वजह से ये बैंड हो गया। ये देखो ना मैंने ऐसे हाथ, ये देखो ये भी टेढ़े हो गए, इसमें अगर थोड़ा सा भी फर्क आता है ना ABS खराब हो जाता है, काम नहीं करता। अभी तो यहाँ काम नहीं कर रहा था, फिर हम घुस नहीं गए। 350 रुपये दे गया, क्या फायदा आया टायर लगा के मेरे को? कितना दिया तूने इसका? 350 पागल है क्या? 350 का क्या है? 350 ये आया लेबर ने, फिर पता है क्या किया था आपने? ये भी गलत था, ये भी चेन वाला भी गलत था, चेन वाला भी नंबर इसका गलत था। ये ना नंबर आपने इसका एक नंबर लगाया, एक नंबर 28 था, एक नंबर 24 था कुछ। हां ऐसे ही मुझे खुद दिखाया। फाइनली अभी बाइक मिल चुकी है और बाइक में टायर भी डलवा लिया हमने, तो सीन हो गया था। उन्होंने एक ABS की प्लेट तोड़ दी थी, मतलब टेढ़ी कर दी थी, तोड़ी नहीं थी उनको चलाने, उनको मतलब लगाने नहीं आया वो, पता नहीं क्या सीन। तो हमें कंपनी में जाके दोबारा से लगवाई वो, तो इसलिए भाई वहाँ पे टाइम लग गया। ओ भाई देख के यार, रोड क्रॉस देख के किया करो, पहले भी मैंने आपको बड़ी बार बताया, सीन हो जाता है यार अगर थोड़ा सा मतलब कुछ हो गया तो भाई गया। तो अभी हमने बस सब कुछ काम शाम ख़त्म करके बाइक मिल गया, ये देखो बाइक कैसे चल रही है, तो सब कुछ मतलब सीन सेट करके अभी हम जा रहे हैं सुबह से भाई। सो गाइज आज का व्लॉग था हमारा कुछ ऐसा ही, साकिब भाई ने भी अपनी बाइक ले ली, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। होप करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करना जरूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए घर में रहो, सेफ रहो, बाय।